ये कंडीशन है साइड प्रोफाइल से, अभी भी पेट काफी बाहर है शायद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। काफी टाइम बाद मैं यूट्यूब पर कोई ब्लॉग डाल रहा हूँ। थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा और टाइटल और थंबनेल देख के समझ में आ रहा होगा जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, कि ये वाले वीडियोस मैं डालता नहीं हूँ कभी भी। सारे वीडियोस बाइक रिलेटेड या ट्रैवल रिलेटेड या मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स ही होते हैं। जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि फिटनेस चैनल है, फिटनेस वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, तो प्लीज ये सोच के चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फिटनेस वीडियोस देखने को मिलेंगे। भी फिटनेस वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं। ये सिर्फ मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो है जो मैंने लॉकडाउन में, लॉकडाउन से थोड़ा पहले एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट किया था, उसके बाद से लॉकडाउन में राइड्स वगैरह नहीं हो पा रही थी, सो आई जस्ट थॉट ऑफ फोकसिंग ऑन फिटनेस, जो कि मैं पहले बहुत ज्यादा करता था, पर राइड्स को लेकर और ट्रैवल को लेकर थोड़ा सा इग्नोर हो गया था एंड आई गेन वेट। तो मैंने सोचा कि लॉकडाउन है तो फायदा उठाते हैं, एंड आई वॉन्टेड टू रिमेंबर दिस लॉकडाउन पीरियड, जो इतनी नेगेटिविटी है आसपास, उसको एक पॉजिटिव तरीके से आप बाद में 4 साल 10 साल बाद याद करूंगा तो कैसे याद कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांटेड सम पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए मैंने थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दिया एंड आई लॉस्ट अराउंड 9 kgs ऑफ वेट। कितना है? 76.6 से स्टार्ट किया था, आज 9th में ऑलमोस्ट 3 months हो गए, 3 months में 9 kgs। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था वो सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करूंगा। 3 parts में वीडियो बनाऊंगा, एक में जो मेरी जर्नी है लास्ट 2.5 months 3 months की वो, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में जो मैं एक्सरसाइजेस करता था, और तीसरे पार्ट में थोड़ा बहुत ज्ञान जो मेरी डाइट वगैरह थी इस ड्यूरेशन में, विच हेल्प मी अलॉट, क्योंकि एक चीज से कभी भी इम्पैक्ट नहीं होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो सब कुछ चीजें मिला के ही हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो स्टार्ट कहां से हुआ? फरवरी में मैं घर से लौट के आया था, 15-20 दिन की घर की ट्रिप थी, अच्छी खासी 5-6 शादियां अटेंड करके। उसके बाद आके जो मेरी फर्स्ट राइड थी गंडीकोटा की राइड थी, उसका ब्लॉग भी डाला हुआ था, वहां की कुछ 2-4 कैंडिड फोटोज जो मैं बाद में देख रहा था, तब मुझे लगा कि नहीं यार ये कुछ ज्यादा हो गया है, क्योंकि मेरी हाइट है 5'9" और मेरा जो कंफर्टेबल वेट रेंज है वो रहता है 72-73 के अराउंड। उसमें रहता है कि हाँ ठीक है, मैं मोटा भी नहीं हूं बहुत ज्यादा, पतला भी नहीं हूं बहुत ज्यादा, पर ये जब कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखी और घर पे आके जब मैंने वेइंग मशीन पे वेट लिया तो इट वॉज 76। उस टाइम पे मुझे लगा कि यार बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं अपनी रेंज से भी बहुत ज्यादा बाहर चला गया हूं और बहुत ज्यादा मैंने इग्नोर भी कर दिया फिटनेस को, क्योंकि जब मैं पहले 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा रेगुलर था, जिम भी बहुत ज्यादा था, रनिंग भी बहुत करता था, सब कुछ था, पर पिछले 3-4 सालों से ये सब चीजें इग्नोर हो गई थी। तो जब 76 हुआ एट दैट टाइम आई थॉट कि इसके पहले के मेरी कंफर्टेबल रेंज 74-76 हो जाए और मैं वेट करने लगा नहीं यार 80 हो जाएगा तब देखेंगे, आई थॉट कि नाउ इज द टाइम, अभी शुरू कर रहा है और अब मेरे को वापस अपने फिटनेस वाले उसमें आना है। तो मैंने स्टार्ट किया एज यूजुअल, पहली चीज जो मेरी थी रनिंग करने से स्टार्ट किया मैंने। पहले दिन जब मैं भागा तो 3 किलोमीटर के अराउंड ही भाग पाया था, तो 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर उसको बढ़ाना शुरू किया, और नेक्स्ट 1 month के अराउंड मैंने अपना जो टारगेट था 10 किलोमीटर रनिंग करने का, वो 10 किलोमीटर रनिंग करने का टारगेट मैंने अचीव कर लिया था। दिस वॉज जस्ट बिफोर द लॉकडाउन रनिंग स्टार्ट की, और जब स्टार्टिंग में आप पहले 15-20 दिन 25 दिन कुछ भी स्टार्ट करते हो और डाइट कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट दिखते हैं एकदम तुरंत ही। तो मेरा 2.5 किलो के अराउंड वेट पहले 15-20 दिन में ही कम हो गया था। वहां से क्या होता है कि वहां से आपको मोटिवेशन आता है कि नहीं यार अभी और करना है, अभी और करना है। तो पहले मुझे लगा था कि मैं 72-73 तक आ जाऊंगा, उसके बाद फिर चिल करूंगा आराम से, पर देन आई थॉट कि नहीं यार अब ना थोड़ा सा और पुश करता हूं टाइम मिल रहा है तो। और मैं जो बाहर रनिंग कर रहा था मस्त अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह शेयर कर रहा था, 3 किलोमीटर से बढ़ा के मैंने अपना स्टैमिना 10 किलोमीटर तक कर लिया था, आई थॉट कि यार ये सही चल रहा है अभी ऐसे ही करूंगा
और थोड़ी बहुत डाइट करता रहूंगा और वेट लॉस हो जाएगा। अचानक से एक दिन मोदी जी आए और धमाका हो गया कोरोना का और लॉकडाउन हो गया अराउंड। फिर मैंने टारगेट बनाया कि लॉकडाउन खत्म होने से पहले मेरे को 70 वेट के अराउंड आना है। अब बाहर जा नहीं सकते रनिंग करने के लिए, देन आई हैड नो अदर ऑप्शन कि मैं कुछ नया ट्राई करूं। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया स्टेयरकेस रनिंग। तो वो मैंने स्टार्ट की ग्राउंड फ्लोर से, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वहां 15 फ्लोर है, तो 15 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से 15 फ्लोर तक। जब मैंने फर्स्ट डे किया वो तो मैं करीब 25 फ्लोर कर पाया था, 25 फ्लोर, मैं 5th फ्लोर पर रहता हूँ, तो मैं ग्राउंड फ्लोर से 15 फ्लोर तक गया, वापस 5th फ्लोर पे आया, उसके बाद फिर ऊपर तक गया 15 फ्लोर तक वापस आया, 25 फ्लोर मुझे लगा बहुत हो गया यार। फिर धीमे धीमे करके उसको बढ़ाना शुरू किया, ऑल ऑफ अ सडन मिलिंद सुमन का इंस्टाग्राम पे अपडेट आया था दैट ही हैज रन अराउंड 150 फ्लोर या 200 फ्लोर का कुछ अपडेट आया था, तो मुझे मोटिवेशन मिली और ज्यादा कि नहीं यार अभी तो मैं 25 फ्लोर ही कर रहा हूँ, अगर मैं स्टैमिना बिल्ड करूँ जो 10 किलोमीटर का स्टैमिना है तो मैं और ज्यादा कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर रनिंग तो बंद हो गई अपनी, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो मैंने स्टेयरकेस पे रनिंग स्टार्ट कर दी एंड अगेन मैंने 25 फ्लोर से स्टार्ट किया था और करीब 15-20 दिन के टाइम में मैं वो 25 फ्लोर को बढ़ाते 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 अपने स्टैमिना को 150 फ्लोर तक ले गया। 150 फ्लोर कैसे, तो 15 फ्लोर से जैसे मैंने बताया मैं 10 राउंड मारने लग गया था, 10 राउंड मतलब मैं ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करता था, 15 फ्लोर तक जाता था, उसके बाद फिर धीमे धीमे करके नीचे उतर के वापस आता था। तो ग्राउंड फ्लोर से 15 फ्लोर जाने में मेरे को करीब लगते थे 2 मिनट 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट 30 सेकंड तक, 2 मिनट 25 सेकंड इसके ऊपर तक गया था मैं। उसके बाद फिर मैं 3-3.5 मिनट में नीचे आता था और 30 सेकंड 40 सेकंड का नीचे बस ब्रेक लेता था, एक से पानी पीता था, उसके बाद फिर अगेन 0 फ्लोर से स्टार्ट करता था और 15 फ्लोर तक आता था। तो ये स्टैमिना मैं बढ़ाता गया और मैं 150 फ्लोर के अपने टारगेट तक पहुंच गया। तो जब फर्स्ट लॉकडाउन एक्चुअली 14 अप्रैल को खत्म हुआ उस टाइम पे मैं 70 वेट के अराउंड आ गया था, तो वेट लॉस होते हुए दिखने लग गया। तो मेरे को समझ में आया कि जो लोग बोलते हैं कि एक टाइप की एक्सरसाइज अगर आप लगातार करते रहते तो बॉडी आपकी यूज हो जाती है एंड रिजल्ट्स मिलना थोड़ा स्लो होता है, एंड रिजल्ट्स मिलना स्लो होता है ना वेट लॉस में तो काफी फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, आपको लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी डाइटिंग कर रहे हो, इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो, इतना पसीना बहा रहे हो, उसके बाद भी वेट कम नहीं हो रहा है। तो वो समझ में आया जब मैं रनिंग छूट गई और उसके बाद फिर मैंने स्टेयरकेस वर्कआउट स्टार्ट किया, तो 15-20 दिन के अराउंड वो रूटीन चला एंड देन आई थॉट कि नहीं यार अभी मैं इसमें अपने लेवल पे पहुंच गया हूं, 10 राउंड में नीचे से ऊपर तक करने लग गया हूं, तो कुछ और चेंज करना है। उसके बाद से फिर मैंने स्टार्ट की हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, तो HIIT कहलाता है ये। HIIT में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो इसमें आप बहुत बहुत फास्ट कैलोरीज बर्न करते हो, तो वो स्टार्ट किया, उसके बारे में वीडियोस वगैरह देखे और वो एक्सरसाइज मैंने घर में स्टार्ट की। अब मैंने क्या एक्सरसाइजेस की, तो एक छोटी सी ग्लिम्स मैं आप लोग को दिखाऊंगा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें मैंने बोला कि HIIT ट्रेनिंग में जो मैं एक्सरसाइजेस करता रहता हूँ वो आप लोग को एक बार दिखाता हूँ। ये अपना एरिया है जहां पर लॉकडाउन में मैं सारी एक्सरसाइजेस करता हूँ। तो HIIT क्या होता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसमें आप एक सेट एक्सरसाइज करते हो 45-50 सेकंड तक, उसके बाद फिर 15-20 सेकंड का ब्रेक लेते हो एंड देन अगेन जंप टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ये 5 एक्सरसाइज का सेट है। सबसे पहले बर्पीज करते हैं, तो करीब 10-12 बर्पीज मैं करता हूँ, उसके बाद फिर 30 सेकंड का गैप लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होती है दैट इज स्क्वाट लंजेस, जिसमें आप ये स्क्वाट की पोजिशन में जंप करते हो और ये अगेन आपको 30-40 सेकंड तक करना है, उसके बाद फिर 20-30 सेकंड का ब्रेक लेना है। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज जो होती है वो माउंटेन वॉकिंग टाइप होती है, उसमें आप नीचे रखे ये इन एंड आउट ओपन एंड क्लोज बोलते हैं, तो ये एक्सरसाइज होती है, इसमें फिर अगेन 45 सेकंड तक करना है, उसके बाद फिर 20-30 सेकंड का गैप लेना है। फोर्थ एक्सरसाइज जो होती है दैट इज जंपिंग स्क्वाट्स, जिसमें आप यूं सिर्फ जंप करते हो और स्क्वाट्स करते हो, ये आपने स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो का 30-40 सेकंड है जो ट्रांसफॉर्मेशन का डाला था उसमें कुछ दिख जाएंगे आपको इसके क्लिप्स। उसके बाद फिर लास्ट एक्सरसाइज जो होती है दैट इज नी टैप्स, तो इसमें नी टैप्स में सिंपल ये नी टैप्स करना होता है, अगेन 40-45 सेकंड तक करना है, उसके बाद फिर 30 सेकंड का ब्रेक एंड जब ये 5 एक्सरसाइज का एक सेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद 2-2.5 मिनट का ब्रेक एंड देन एक और सेट, एंड बिलीव मी ये टोटल 2 सेट कर रहे हैं मेरे को 16-17 मिनट लगते हैं, उसके बाद से पसीना ऐसे टपके पा रहा होता है मैं अपनी टी शर्ट को पूरा निचोड़ सकता हूँ, इतना पसीना आ रहा होता है। सो दिस इज HIIT और इसका जो ओरिजिनल वीडियो है इस बंदे का, इसके अलावा मैंने अभी एक MMA वर्कआउट भी स्टार्ट किया है, तो ये दोनों वीडियोज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो देयर एंड लर्न, वो लोग प्रोफेशनल है तो उनके वीडियो से आपको ज्यादा समझ में आएगा, दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि मैंने बोला था कि एक चीज से नहीं होता, अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करते रहोगे पर आप डाइट नहीं करोगे तो नहीं होगा, पर डाइट में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैंने सब कुछ खाना छोड़ दिया हो,
पर हाँ कुछ चीजें थी जो मैंने कंट्रोल की, कुछ फूड हैबिट्स थी जो इम्प्रूव की, और बाकी तो लॉकडाउन चल ही रहा है तो बाहर से कुछ भी उल्टा सीधा खाना नहीं ही आ पा रहा है, तो वो सब कुछ एकदम ऑब्वियसली बंद हो गया। पर उसके अलावा मैंने फ्राइड खाना छोड़ दिया बहुत हद तक, मतलब कम कर दिया, छोड़ा तो फिर कुछ भी नहीं है। वीकेंड्स पे मैं खाता ही हूँ, आज भी सुबह आलू के पराठे मैंने खाए ही थे, कल मैं समोसे खाऊंगा ही, तो वो सब भी चल ही रहा है। पर हाँ वीकडेज में जो मेरा डाइट रूटीन है, मैं डिनर जो होता है, लोग बोलते हैं कि डिनर आपको लाइट करना चाहिए, तो ये मैंने देखा मैं डिनर अब काफी लाइट करता हूँ। और लाइट का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही सिर्फ सैलेड खा के सो गया, वैसा नहीं है। मैं काफी दिन सिर्फ दाल खा लेता हूँ, तो 2 कटोरी दाल अपना प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है, 2 कटोरी दाल पी ली और सैलेड खा लिया। उसके अलावा किसी दिन सूजी वाला जो मैक्रोनी आती है मैक्रोनी बना ली, या फिर सैंडविचेस खा लिए, या फिर पास्ता खा लिया। तो ये सब कुछ मैंने खाना स्टार्ट किया। पर हाँ इसमें मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज करता हूँ कुकिंग में, बहुत ही हेल्दी प्रिपरेशन जो हो सकती है वो बनाता हूँ, जितनी लीस्ट कैलोरीज और जितना लाइट खाओ। क्योंकि आप जब लाइट खा के सोते हो ना और सुबह उठ के अपना वेट चेक करते हो, तो जब वो 600-700 ग्राम्स का डिफरेंस दिखता है ना, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। तो वो चीजें थी। उसके अलावा मैंने फ्रूट्स काफी ज्यादा खाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैं फ्रूट्स काफी ज्यादा इग्नोर करता था, फ्रूट्स पसंद हमेशा से थे पर फ्रूट्स कौन काटे। और उसके अलावा फिर नॉर्मल चलती है लाइफ, तो आप बाहर से खाना मंगा लेते हो और फिर कुक भैया भी आ रहे हैं तो वो बना रहे हैं, वो होता रहता है, इस चक्कर में इग्नोर हो जाती चीजें। पर मैंने अब वाटरमेलन खाना, ग्रेप्स खाना, एप्पल खाना, पोमेग्रेनेट खाना, ये सब कुछ खाना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया। योगर्ट खाना खाने लग गया मैं, तो एक्सरसाइज करने के इमीडिएटली बाद मैं योगर्ट खाता हूँ। योगर्ट में ड्राई फ्रूट्स डाल के कुछ बना लिया, या फिर पोमेग्रेनेट डाल के कुछ बना लिया, उससे एनर्जी भी काफी ज्यादा आ जाती है। एक्सरसाइज करने के जस्ट बाद मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में वाटरमेलन खाता हूँ, और ग्रेप्स वगैरह खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ सुबह उठ के। तो ये कुछ चेंजेस थे जो मैं अपनी डाइट में लेके आया। हाँ शुगर मैंने काफी कम कर दी, तो शुगर काफी टाइम से सोचा भी हुआ था, वैसे तो शुगर बहुत ज्यादा खाता भी नहीं था, मेरे को बहुत ज्यादा कोई शौक नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा केक खा रहा हूँ या फिर बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खा रहा हूँ, वो पहले भी नहीं था। पर हाँ जितना भी जो भी था उसमें भी धीमे 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 करके काफी कटआउट कर दिया शुगर पर भी। पर हाँ कुछ भी छोड़ा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ कि वीकेंड्स पे कुछ कुछ खाते रहते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना जब ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो, तो अब बाहर यहाँ पे मैं जाऊंगा तो मेरे को पता है कि साउथ में ट्रैवल बहुत ज्यादा करता हूँ, तो मेरे को सांभर राइस ही मिलना है, मेरे को सांभर राइस बहुत पसंद है, तो वो सब भी हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ही आप सब कुछ खाना छोड़ दो और फिर बाहर जाओ और सांभर राइस खाओ और फिर बाहर वाला खाना खाओ तो एकदम ही पेट गड़बड़ हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए छोड़ा कुछ भी नहीं है। वीकेंड्स पे अपना चीट डेज होते हैं, मस्त फुल 2 दिन के चीट डे होते हैं, उसमें चीज भी खाता हूँ, बटर भी खाता हूँ और फ्राइड भी थोड़ा बहुत खाता ही खाता हूँ। पर हाँ हर चीज अब लिमिट में चलती है। बाकी 5 डेज में जब एक्सरसाइज करता हूँ तो अच्छी खासी डाइट को फॉलो करता हूँ, डिनर लाइट करता हूँ जो मैंने बताया, बहुत सारे फ्रूट्स खाता हूँ। तो ये चीजें हैं। अब आप डाइट भी कर रहे हो और साथ में कैलोरीज भी बर्न कर रहे हो, 1 घंटे के अराउंड रोज वर्कआउट भी करता हूँ शाम को, भले मेरे को ऑफिस से लेट हो जाए काम फिनिश करते करते, रात को 10 बजे भी वर्कआउट कर रहा होता हूँ बहुत बार मैं, तो वो सब कुछ है। पर हाँ ऐसा है कि लास्ट 2.5 मंथ्स में मैंने ऐसा नहीं हुआ हुआ एक आध दिन भी शायद, जब मैंने वर्कआउट नहीं किया हो, तो 1 घंटे के अराउंड में ट्राई करता हूँ अब कि मैं वर्कआउट कर ही लूँ, और उसके अलावा प्लस जो डाइट कर रहा हूँ, तो दोनों तीनों चीजों में कंबाइन करके मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं एंड आई लॉस्ट अराउंड 9 kg। तो ये तो थी मेरी जर्नी, और अभी जो आज मेरा वेट था वो था 67.8, मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाया भी था वीडियो में, तो अराउंड 9 kg का वेट लॉस मैं कर चुका हूँ। अब टारगेट कितना है नहीं पता, टाइम बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, तो टारगेट भी बढ़ता जा रहा है, ट्राई करूंगा कि मैं और पुश करके 65 तक आ पाऊं। तो लास्ट 5 ईयर्स में जो मेरा फिटेस्ट लेवल था, 5 साल पहले मैं 67-68 के अराउंड हुआ करता था, तो मैं अब वापस उस रेंज में आ गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो था जो मेरी अब तक की जर्नी थी लास्ट 2.5 मंथ्स की। एंड द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज कि यार आप घर पर हो, तो बहुत सारे मीम्स आ रहे थे लोगों के बिफोर लॉकडाउन और फिर आफ्टर लॉकडाउन जो वेट बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा, वो मैंने फिलहाल होने नहीं दिया। एंड जैसा मैंने पहले भी बोला कि मैं ये लॉकडाउन वाला जो पीरियड है जितने भी दिन चलेगा नहीं पता, पर उस पीरियड को सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी और उस चीज से बाहर निकल के कुछ भी आपका एक पॉजिटिव आउटकम हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो आपने कुछ चीजें लर्न की हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा हो या कुछ भी किया हो, कोई भी चीज हो सकती है। आई वॉन्टेड टू रिमेंबर और यूटिलाइज दिस फेज एज अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज, तो वो मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कर रहा हूँ और भी करता रहूंगा। तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं ट्रैवल अपडेट्स बहुत ज्यादा देता हूँ यूजुअल डेज में, पर आजकल काफी सारे एक्सरसाइज के पोस्ट आ रहे हैं, तो यू गाइज कैन फॉलो मी ओवर देयर, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक यहां पर आ रहा है। पर फिलहाल दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, सिर्फ इतना ही शेयर करना था। हाँ अब अगर मैंने अगले 1-1.5 महीने 2 महीने में कुछ एप्स भी बना ली तो अलग बात है, तो उसका वीडियो भी शेयर करूंगा, पर अदरवाइज ये चैनल सब कुछ ट्रैवल रिलेटेड ही रहेगा। दिस इज जस्ट वन वीडियो एंड होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, होप यू गाइज एंजॉयड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, होप यू गाइज कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। एंड आपको कुछ भी क्वेरीज है या कुछ चीजें हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, कॉमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताना।
सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इफ यू डिड डू लाइक इट, कमेंट से बताना कैसा लगा, एंड डू शेयर द वीडियो, जो लोग वेट गेन कर रहे हैं शायद थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए और वेट लॉस कर ले, थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान दिले। तो बस वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, पर जब तक चलेगा स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।